गुड मॉर्निंग क्लास एट। टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर, चैप्टर नंबर 4, दैट इज प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल। अब हमें यहाँ पे जो पार्ट्स दिए हैं, हमने क्वाड्रिलेटरल ड्रा करने हैं। फर्स्ट है क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी, इसमें एबी दिया 4.5, बीसी दिया 5.5, सीडी 4, एडी 6 और एंड एसी 7 सेंटीमीटर। तो पहले हमने क्या करना है, जब भी कोई फिगर कंस्ट्रक्ट करनी होगी हमेशा रफ स्केच बनाना है। तो यहाँ पर मैंने रफ स्केच बनाया हुआ है ए बी सी डी, ए बी 4.5, बी सी 5.5, सी डी 4, ए डी 6 और ए सी 7। इसी को देख के अब आपने फेयर डायग्राम बनानी है। अब मैं इसी को देख के फेयर डायग्राम बनाऊंगा। तो सबसे पहले आपका ये ट्राइंगल बनेगा, फिर तो उसके बाद ये ट्राइंगल और क्वाड्रिलेटरल कंप्लीट हो जाएगा। तो अब ध्यान से देखना आपने कैसे कैसे बना रहा हूँ। सबसे पहले ए बी हमने कितनी लेनी है, 4.5। तो ए बी हम लेंगे 4.5 सेंटीमीटर, ये आ गई ए बी 4.5 सेंटीमीटर, ए बी 4.5। एक बात का ध्यान रखना है, कोई भी पॉइंट लाइन सेगमेंट के साथ टच नहीं होना चाहिए, ना लेंथ जो आप लिखेंगे। अब हमने ए पे रखनी है कंपास, 7 सेंटीमीटर कंपास खोल दिए। तो स्केल से आपने 7 सेंटीमीटर कंपास खोल के ए पॉइंट पे रख के क्या करना है, इसको कट करना है ए से 7 सेंटीमीटर, ये ध्यान रखना 7। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं डबल डबल ले रहा हूँ ताकि आपको फिगर थोड़ी बड़ी नजर आए। वैसी ही बनेगी आपकी फिगर भी, आपने सोचना जी अलग बनेगी, ऐसी फिगर बनेगी आपकी। तो 7 सेंटीमीटर कंपास खोल के आर्क लगा देंगे। अब पी से कितनी कंपास खोलनी है, 5.5, इसलिए रफ स्केच बनाया होता है ताकि आपको फिगर बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं आए। अब बी पे रखनी है कंपास 5.5, तो बी पे रखे कंपास 5.5 खोल के आर्क, जब ये आर्क आप लगा दोगे अब इनको क्या करना है, ज्वाइन करना है आपने, जहां पे ये कट की है वहां से ए और बी के साथ ज्वाइन कर दो। तो ये आपका ट्राइंगल बन गया ए बी सी, ये वाला। अब हमें डी पॉइंट लाना है, तो सी से कितनी कंपास खोलेंगे, 4, और ए से कितनी खोलेंगे, 6। पहले मैं यहां लिख देता हूं कितनी कितनी हमने आर्क लगाई थी, 5.5 और ये थी 7। अब आपने ए पे रखनी है कंपास, कितनी खोलनी है, 6 सेंटीमीटर। तो स्केल से आपने मेजर करनी है 6, मैं उल्टे स्केल से कर रहा हूं, आप डायरेक्ट सीधे स्केल से भी कर सकती हो। ए से खोलनी है 6, ठीक है, ए पे रखनी है 6 सेंटीमीटर कंपास खोल के आर्क लगा देनी है ऐसे। अब सी से कितनी है, 4 सेंटीमीटर, सी पे रखनी है 4 सेंटीमीटर कंपास खोल के ये लगाई मैंने आर्क। जहां ये आर्कें कटेंगी वो पॉइंट कौन सा होगा, डी, डी को अब आपने ज्वाइन कर देना किसके साथ, ए और सी के साथ, ठीक है, डी पॉइंट को ए और ये यहां पे लिख देना आपने 4 सेंटीमीटर और यहां पे आपने लिख देना 6 सेंटीमीटर। ये आपका क्वाड्रिलेटर बन गया ए बी सी डी जो आपको चाहिए था। तो क्वाड्रिलेटर ए बी सी डी कैसे बनाना है, आपने ए बी 4.5 ली, ए से 7 सेंटीमीटर, बी से 5.5 सेंटीमीटर, इनको ज्वाइन कर देना, जहां इंटरसेक्ट करेंगे उसी पॉइंट को ज्वाइन कर देना। एबीसी ट्राइंगल बनने के बाद सी से 4, ए से 6, जहां पे कटेगी उसको भी ए और सी के साथ ज्वाइन कर दो, ये आपका क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी बन जाएगा। अब जो फर्स्ट फिगर हमने बनाई तो उसके स्टेप्स जो है वो मैं आपको बता रहा हूँ, स्टेप कोई मुश्किल नहीं होता, जैसे आपने फिगर बनाई स्टेप बाय स्टेप वैसे ही हमने स्टेप लिखने हैं। आप फिगर कैसे बनाई थी, सबसे पहले हमने ये ट्राइंगल बनाया, जहां मैं शेड करके बता रहा हूँ, आपने शेड नहीं करना है, ये समझाने के लिए, जैसे जैसे बताया फिगर आपने वैसे ही बनानी है और नेमिंग सेम रहने देनी है। अब आपने स्टेप कैसे लिखने, सबसे पहले हमने ए पी ली 4.5 सेंटीमीटर, तो मैंने क्या लिखा, वही स्टेप लिखा, ड्रा अ लाइन सेगमेंट ए पी इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर, ये फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप में हमने पहले ए से आर्क लगाई 7 सेंटीमीटर, फिर बी से लगाई 5.5 सेंटीमीटर, या पहले बी से लगाई फिर ए से लगाई, जैसे आपने स्टेप किया पहले बी से तो बी वाला स्टेप लिखोगे, ए से फिर ए वाला, ए वाला बी वाला, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब विद ए एस सेंटर एंड रेडियस 7 सेंटीमीटर ड्रा एन आर्क, जब मैं पहली आर्क लगाऊंगा ए से, अब ए बी मैंने अगर ली 4.5, ए से आर्क लगाई, क्या वो कहीं इंटरसेक्ट करे या नहीं, वो तो अभी हवा में ही है, इसलिए विद ए एस सेंटर एंड रेडियस 7 सेंटीमीटर ड्रा एन आर्क। जब हम बी से लगाएंगे वो उस आर्क को
कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेगी, जहां पे इंटरसेक्ट करेगी उस पॉइंट का नाम क्या है, सी। तो इसलिए फिर मैं लिखूंगा क्या, विद बी एस सेंटर एंड रेडियस, जितनी कंपास खोली है, अब बी से हमने कंपास कितनी खोली, 7 नहीं है, बी से कितनी है, 5.5 है, ए से 7 है, बी से 5.5 है। विद बी एस सेंटर एंड रेडियस 5.5 सेंटीमीटर ड्रा अनदर आर्क विच इंटरसेक्ट्स द प्रीवियस आर्क या फर्स्ट आर्क एट सी। जब ए से लगाई 7, बी से जब हम आर्क लगाएंगे तो ये पहली वाली आर्क को कहां इंटरसेक्ट करेगी, सी पे। उसके बाद इन दोनों को हमने क्या किया, जॉइन। तो अगला स्टेप क्या होगा, जॉइन ए सी एंड बी सी। ये आपके फर्स्ट 4 स्टेप आ गए, यानी ट्राइंगल आपका कंप्लीट हो गया। अब उस ट्राइंगल के बाद हमने इनको जॉइन करने के बाद ये ट्राइंगल बन गया। अब उसके बाद हमने ये वाला ट्राइंगल बनाया इधर। तो पहले हम ए से आर्क लगाएंगे, ठीक है, कितनी, जितनी हमें ये दी है, कितनी है, 6। फिर सी से लगाएंगे 4, फिर इनको जॉइन कर देंगे। तो पहले हम ए से, फिर सी से, फिर इनको क्या कर देंगे, जॉइन। ये तो मैं रफली बता रहा हूं आपको, जैसे जैसे फेयर बनाई थी मैंने, एक बार फिर अब बताइए आपको स्टेप के समय। तो ए से 6, सी से 4। अब मैं स्टेप एक साथ लिख रहा हूं, आप अलग अलग करके भी लिख सकते हो, जैसे पहले लिखे विद ए एंड सी एस सेंटर्स एंड रेडियाई, एक से ज्यादा रेडियस हो तो बोलते हैं रेडियाई, प्लूरल फॉर्म है ना ये, 6 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर ड्रा आर्क्स इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट डी। जब मैंने ए और सी से आर्क लगाई है, कहां पे इंटरसेक्ट हो रही है, डी पॉइंट पे, फिर डी को इन दोनों के साथ क्या किया है, ज्वाइन किया है, ठीक है, ज्वाइन ए डी एंड सी डी, ए डी और सी डी को ज्वाइन कर दिया। जब आपने ए डी और सी डी को भी ज्वाइन कर दिया, आपकी फिगर क्या हो गई, कंप्लीट। तो नाउ ए बी सी डी इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल। सेकंड पार्ट आपने खुद करना है। अब थर्ड पार्ट है, पैरेललोग्राम मोर ड्रा करना है, जिसमें ओ आर दी है 6 सेंटीमीटर, आर ए दी है 4.5 सेंटीमीटर और ई ओ दी है 7.5 सेंटीमीटर। अब हमें मालूम है अपोजिट साइड जो है वो पैरेललोग्राम की क्या होती है, इक्वल। अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। अब यहाँ मैंने रफ स्केच बनाया हुआ है, एम ओ आर ई मोर, इसमें आर ई 4.5 दी है, ओ आर 6 दी है और ई ओ 7.5 दी है। अब अपोजिट साइड इक्वल होती है तो इसलिए एम ओ कितना हो जाएगा, 4.5 और ओ आर अगर 6 है तो ई एम भी कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर। तो ये रफ स्केच हमारा बन गया। अब इसी को देख के हमने फेयर बनानी है, एम ओ और ई आर 4.5 लेनी है, ओ आर और एम ई 6 सेंटीमीटर लेनी है। अब पहले हमारा ये ट्राइंगल बनेगा, फिर ये वाला, तो पैरेललोग्राम कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले हम एम ओ लेंगे 4.5 सेंटीमीटर। तो मैंने पहले ही बताया मैं इनका डबल लेता हूँ, 4.5 यानी 9 सेंटीमीटर लूंगा मैं। तो ये मैंने 4.5 सेंटीमीटर की लेंथ ले ली, जिसका नाम क्या है, एम ओ 4.5 सेंटीमीटर। अब मैं कंपास रखूंगा पहले एम पे, कितनी कंपास खोलेंगे, 6 सेंटीमीटर और आर्क लगाएंगे। ओ से कितनी खोलेंगे, 7.5 की आर्क लगाएंगे। जहां पर इंटरसेक्ट करेंगे वो पॉइंट ई होगा, फिर ई को दोनों के साथ ज्वाइन कर देंगे। पहले हम एम से आर्क लगाएंगे, कितनी, 6 सेंटीमीटर की। तो 6 यानी मैं डबल लूंगा, आपने 6 ही लेनी है जितनी है। तो एम पॉइंट पे कंपास रख के 6 सेंटीमीटर कंपास खोलनी है और आर्क लगानी है, एम से 6, ये लगाई मैंने 6 सेंटीमीटर की। अब ओ से कितनी लगानी है, 7.5। ठीक है, ये लगाई मैंने 7.5 की। अब क्या करना है, हमने इनको ज्वाइन कर देना है, एम को ज्वाइन कर देना है इसके साथ, ये ऐसे, ये आ गया आपका ई पॉइंट। ये लेंथ है 7.5 सेंटीमीटर और ये लेंथ है 6 सेंटीमीटर। मैंने पहले ही बताया ये जो लेंथ आप लिखते हो ये टच नहीं होनी चाहिए लाइन सेगमेंट के साथ। अब हमने ओ से 6 और ई से कितनी लेनी है, 4.5, ताकि हमारा पैरेललोग्राम कंप्लीट हो जाए। ओ से कितनी लेनी है, 6, तो मैंने यहां भी 6 खोली हुई है, यहां से भी आप 6 देख सकते हो, नहीं तो अलग से कंपास से द्वारा, तो सॉरी रूलर से यानी स्केल से द्वारा उतनी कंपास खोल सकती हो। ये 6 ली, यहां से मैंने 6 की आर्क लगा दी, ठीक है, 6 की आर्क लगानी है, ये ध्यान रखना है।
तो ये O से मैंने लगाई 6 की आर। अब E से कितनी लगानी है 4.5, यानी इसके बराबर, ठीक है, यहां पे रख के ये। अब आपने क्या करना है, इनको ज्वाइन कर देना। ये पॉइंट आया आपका R, R को किसके साथ ज्वाइन करना है, O के साथ और E के साथ। ठीक है, तो ये आपकी लेंथ थी 6 सेंटीमीटर और ये लेंथ थी 4.5 सेंटीमीटर। तो ये क्या बना हमारा पैरेललोग्राम मोर, एम ओ आर ई। तो यहां पे गिवन दी थी ये लेंथ, ये और ये, तो ये 4.5, ये भी 4.5 ली हमने, ये 6, ये भी 6 ली। क्यों? क्योंकि अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो ये क्या बना हमारा पैरेललोग्राम मोर। अब क्वेश्चन नंबर 2 के जो स्टेप लिखे हैं, ये स्टेप वैसे ही है जैसे जैसे हमने फिगर बनाई है। तो पहले हमने क्या किया था, MO ली थी 4.5, तो मैंने वही लिखा है ड्रा अ लाइन सेगमेंट MO इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर। उसके बाद पहले M से आर्क लगाइए, फिर O से आर्क लगाइए। तो विद M एज सेंटर एंड रेडियस 6 सेंटीमीटर ड्रा एन आर्क। जब M से हमने आर्क लगाई, वो पहली आर्क थी, वो सिंपल आर्क लगाई थी। जब O से आर्क लगाइए तो उसने पहली आर्क को कहां काटा था, E पे। तो विद O एज सेंटर एंड रेडियस 7.5 सेंटीमीटर ड्रा एनदर आर्क। जब हमने दूसरी आर्क लगाई ओ से, तो विच इंटरसेक्ट द फर्स्ट आर्क एट ए एट ई, तो वो पहली आर्क को कहां इंटरसेक्ट कर रही है, ई पे। तो एम से पहले हमने आर्क लगाई है, फिर ओ से आर्क लगाई, जब यहां पे इंटरसेक्ट की तो इसको हमने क्या कर लिया, दोनों पॉइंटों से ज्वाइन किया, यानी ई को एम और ओ से ज्वाइन किया। तो वही लिखा है ज्वाइन ई एम एंड ई ओ। उसके बाद हमने ये ट्राइंगल बनाया था, ये वाला, पहले ओ से आर्क लगाई 6 की, फिर ई से लगाई 4.5 की, फिर इनको ज्वाइन कर दिया जब ये इंटरसेक्ट हुई। तो यहां पे मैंने स्टेप जो है एक साथ लिखा हुआ है, कैसे, विद ओ एंड ई एज सेंटर्स, ओ और ई पे आपने कंपास रखी, एंड रेडियाई, क्योंकि एक से ज्यादा रेडियस है, ओ से 6 है, ई से 4.5 है, एंड रेडियाई 6 सेंटीमीटर एंड 4.5 सेंटीमीटर ड्रा आर्क्स इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट पॉइंट आर या एट आर। जब O से हम और E से R के लगाई है, तो कहां पे इंटरसेक्ट हो रही है, R पे, फिर R को हमने E और O से ज्वाइन किया, तो ज्वाइन ओ आर एंड ई आर या आर ओ एंड आर ई। तो आपकी फिगर कंप्लीट हो गई थी। तो नाउ एम ओ आर ई यानी मोर इज द रिक्वायर्ड पैरेललोग्राम।